लाउड लाउड बताएं। अच्छा, आप कह रहे हो दोनों में फर्क नहीं है और दोनों में ब्रांड इमेज बना के रखा हुआ है। यस सर, प्लीज सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग। ए सेक्शन है, हाँ, फर्स्टली एक ग्रोइंग कंपनी थी, हाँ, टोटली फिनिश है, हाँ, हाँ, और ये आज भी स्टैंड बाय है और ग्रो कर रही है। ओके ओके, कोई और बताएं जी। बैठे बैठे बैठे, लाउड लाउड लाउड, सबको सुनाई देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टाइम, आप कह रहे हैं बी वाली वक्त के साथ चेंज हुई है, ए वाली वो पीछे हो गई है, पीछे हो गई है। ओके जी, आप बताएं लाउड, खड़े होकर लाउड, सबको सुनाई देना चाहिए, पीछे पीछे सुनाई देना चाहिए। हाँ हाँ सर, इनको बोले दे, फिर मैं आता हूँ आपके पास। हाँ लाउड, पीछे पीछे देखिए ना, आप पीछे बताइए सबको। हाँ राइट, राइट 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 जी 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 जी, हाँ जी जी, उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, स्टेबिलिटी बनाई हुई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई और बोलना चाहता जी? उधर 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 उधर, प्लीज उनको पहले। हाँ यस, फोन बज रहा किसी का, प्लीज ध्यान रखना। Yes. Very familiar, very famous company. अभी इसका almost dying company. Yes. Because of the improper planning. What are the reason it may be? Yes. And even even if you see the Onida. Yeah. इस जमाने में बहुत ज़्यादा इसका नाम था, अभी almost सब जगह भूल गए। और वीडियो का जनरल मोटर्स का ऐसा तो इससे MNC है। Category B में अगर आए तो Samsung एक जमाने में उसका खास नहीं था, अभी they have become leaders. Because of the proper planning and execution. कैन वी क्लैप फॉर ऑल दिस फोर फाइव पीपल? I think most of you have said it right, that these companies were famous once in a time, which are in A, but now they are not. They are gone. Khitan Fan is gone. Yeah, I'm sure. They're, no, nothing today. Yeah, it's gone. Yeah, video gone, gone. Onida gone. Yeah, yeah. So what I'm saying is, yeah, allow me, allow me, allow me, allow me. So what I'm saying is, once upon a time, they were there, very famous, doing very well, and B level companies are still very strong. They have somewhere maintained themselves. They have somewhere changed with the time. उन्होंने अपने आप को बदला और बदल के वो आज भी ग्रो कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं। सैमसंग भी, एशियन पेंट भी, मैरिको पैराशूट बहुत अच्छा कर रही है। और पैराशूट जबकि बहुत पुराना ब्रांड है, आज का ब्रांड नहीं है, पैराशूट इज अ 60 ईयर ओल्ड ब्रांड। एंड डाबर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, मिक्स ऑफ कंपनीज। वेयर एज ऑन द फर्स्ट कैटेगरी इफ यू सी दिस जनरल मोटर विच इज अ यूएसए की एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, and they are still not doing well in India at all. None of their car has been successful. So what they have now done is they have closed down their domestic operation. Domestic मतलब इंडिया में जो सेल करते थे वो बंद कर दिए। अभी जो भी थोड़ी बहुत कारें बना रहे हैं बाहर एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं, इंडिया में कहीं वो अपने आप को टिका नहीं पाए। आर यू गेटिंग मी एवरीवन? एवरीवन हेलो हेलो प्लीज वन प्लीज। सो नाउ विच मीन दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ माई क्वेश्चन टू यू पीपल नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन as to what is the benefit of a famous company to the people who are working with that brand. Jo log us brand ke saath kaam karte hain unko iska kya benefit milta hai? Agar aap maan lijiye Samsung ke saath, Asian Paint ke saath kaam kar rahe hain as compared to Khaitan Fan ke saath, iska personal benefit, personal kya milta hai? Self motivation milti hai, very good. Aur kya? आगे भी बढ़ जाते हैं, ग्रोथ मिलती है, ऑप्शंस मिलती है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन मिलते हैं, ग्रोथ मिलती है, राइट। प्री प्लानिंग करते हैं और उसका ऑल वर्क इन सिस्टम, वेरी गुड वेरी गुड, प्रोफेशनल सिस्टम बन जाता है। यस मार्केट में इज्जत भी मिलती है, स्ट्रेंथ बन जाती है, एक ब्रांड की इमेज
बहुत बढ़िया, अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट होती है, आपने भी बोला आपकी पर्सनल वैल्यू क्रिएट होती है उस ब्रांड के कारण। खैतान के कारण आज वैल्यू क्रिएट नहीं होती है, सैमसंग के कारण होती है, एशियन के साथ होती है, अमेरिको के साथ होती है। बहुत बढ़िया जी, ऑलरेडी जानते हैं सब लोग हम सैमसंग से है, इतना बड़ा ब्रांड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोस्तों मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, कई बार आप अचानक ही अपने मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हैं, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी और पुलिस वाले ने कहा आ जा, और वो या तो चालान काटने की कोशिश में है या कुछ पैसे लेने की कोशिश में है, और अचानक ही पूछता है कहां काम करते हैं, और जब आप एक अच्छा नाम बोलते हैं कहता अच्छा चलो कहता अगली बार से मत करना है, अभी तो जा नहीं। आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन है, किसी स्कूल में एडमिशन करवाना है, और जब अचानक ही प्रिंसिपल पूछते हैं जी आप कहाँ काम करते हैं, क्या है, कहते हैं जी मैं ओरिएंट के साथ काम करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये है वो है, तो आपको शायद कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाता है। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मतलब उसके दिमाग में अपने आप ही आ जाता है कहीं ना कहीं, और बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। एम आई राइट? तो दोस्तों ये दोस्तों अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो बी कैटेगरी की कंपनियां हैं इनकी बाजार में स्टैंडिंग अच्छी होने के पीछे कंट्रीब्यूशन किसकी है? इनके पीछे कंट्रीब्यूशन भी इनके एम्प्लॉयज की है। एम्प्लॉयज मतलब सभी डिपार्टमेंट, वेरी फ्रेंकली, प्रोडक्शन वाले भी, परचेज वाले भी, एचआर वाले भी, सभी, परंतु आई थिंक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन सेल्स टीम की है। एम राइट? क्योंकि सेल्स टीम ने उसको बाजार में बनाकर रखा हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम अगर किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होने का फायदा लेते हैं, हमको उसका बेनिफिट मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमने उसको कॉन्ट्रीब्यूट भी तो करना है।